और चलिए अब रुख करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लोकभवन होने वाले कार्यक्रम में गन्ना उत्पादन प्रतियोगिता की 3 योजनाओं के विजेताओं को सम्मानित करेंगे। इन विजेताओं को प्रमाण पत्र और साथ ही स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाएगा। इसी कार्यक्रम में गन्ना विकास विभाग के अधीन कार्यरत सहकारी गन्ना और चीनी मिल समितियों में विभाग के जरिए 6 सालों में निर्मित 20 भवनों का भी मुख्यमंत्री लोकार्पण करेंगे। तो एक कार्यक्रम यहां पर आज रहने वाला है। गन्ना किसानों को सीएम आज सम्मानित करेंगे। बता दें आपको, गन्ना किसानों को सीएम द्वारा ये स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाएगा। तो गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले किसानों को आज सम्मान दिया जाएगा। प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह मुख्यमंत्री द्वारा भेंट की जाएगी। 20 भवनों का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री आज करेंगे। तो गन्ना उत्पादन के विजेताओं को आज सम्मान जो है वो प्रदेश की सरकार, प्रदेश के मुखिया करने वाले हैं। ये अहम जानकारी आपको दे दें तो 20 भवनों का भी लोकार्पण जो है वो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो बता दें आपको कि 20 भवनों का लोकार्पण आज मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। साथ ही गन्ना उत्पादन के विजेताओं को आज सम्मानित किया जाएगा, प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह दिया जाएगा। अनूप कुमार सिंह संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले किसानों को सम्मानित आज करने जा रहे हैं, और क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा और कितने बजे कार्यक्रम शुरू होगा? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों को लेकर, चाहे उनकी पैदावार की बात करें या फिर उनको प्रोत्साहन की बात करें, लगातार छोटे छोटे कार्यक्रम या बड़े करते रहते हैं। उन पर वाच भी रखते हैं, उनका फीडबैक भी लेते हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गन्ना किसानों, यानी गन्ना के क्षेत्र में जो बेहतर काम करने वाले किसान हैं, उनको पुरस्कार वितरण करेंगे, सम्मानित करेंगे। करीब 135 ऐसे किसान हैं जो गन्ना के क्षेत्र में बेहतर काम किया है, उनको आज लखनऊ बुलाया गया है। लखनऊ के लोक भवन में करीब 11 बजे के आसपास एक कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी समेत तमाम अफसर वहां पर मौजूद रहेंगे। इनको पुरस्कार भी दिया जाएगा। इनमें 3 पुरस्कार की धनराशि रखी गई है। जो प्रथम स्थान पाने वाले जो किसान हैं, उनको 51,000 से सम्मान दिया जाएगा, उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। दूसरे श्रेणी के जो किसान हैं, उनको 21,000 और तीसरे श्रेणी के 10,000। इस तरीके से आज किसानों का सम्मान है। दूसरा, राज्य गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में विजेताओं के साथ साथ जो समितियां हैं, नवनिर्मित जो भवन है, सहकारी गन्ना एवं चीनी मिल समिति जो है, उनके नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण भी है। 20 ऐसे भवन बनाए गए हैं समितियों को लेकर के सरकार के द्वारा, की अब वो बन के तैयार हो चुके हैं, जिनका लोकार्पण भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन से करेंगे। तो ये कहा जा सकता है गन्ना के क्षेत्र में किसानों को प्रोत्साहन देने की सरकार की कवायद शुरू हो चुकी है। क्योंकि गन्ना, उत्तर प्रदेश में गन्ना की पैदावार, वो चाहे पीलीभीत क्षेत्र में करें, लखीमपुर क्षेत्र में करें, या पूर्वांचल में करें, या फिर तमाम ऐसे जिले हैं जो चीनी का कटोरा कहा जाता है, एकदम उस पश्चिम की बात करें, पश्चिम में ज्यादातर गन्ना किसान है। तो एक बार फिर से गन्ना किसानों को लेकर सरकार ने एक अच्छे कदम उठाए हैं, और गन्ना किसानों को प्रोत्साहन या फिर चीनी मिलों की जो समितियों का भवन निर्माण, कहीं ना कहीं गन्ना के क्षेत्र में एक सरकार की तरफ से बढ़ावा देने का अगला कदम है। और जाहिर तौर पर अनूप, यही वजह है कि तमाम जो योजनाएं हैं वो किसानों के हित में प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि योजनाएं तो चला दी जाती हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी कर दिया जाता है, लेकिन वाकई में किसानों को इससे कितना फायदा मिल रहा है ये पता नहीं लगाया जाता जा पाता। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है, इन योजनाओं में अच्छा करने वाले किसानों को भी प्रोत्साहन जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा है, और नतीजतन आज उन्हें सम्मानित इन्हीं योजनाओं के तहत किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है कि किसानों के क्षेत्र में, हालांकि पिछले और सरकारों की इतिहास देखा जाए तो पैदावारों का तो खैर अमूमन वहां एक अनुमान लगाया जाता था कि इस बार कितनी पैदावार हुई है, कितना नुकसान हुआ है, ये सब तो आकलन पिछली सरकारों से लगाया जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार की मंशा है कि किसानों की आय दोगुना करना, किसानों को प्रोत्साहन देना, या फिर उनको हर तरीके से फर्टिलाइजर्स उपलब्ध कराना, ये सब चीजों को लेकर लगातार प्रयास चल रहा है। लेकिन ये वाकई एक अच्छी बात है कि किसानों को प्रोत्साहन राशि देना, उनको सम्मान देना, ये कहीं ना कहीं जो निम्न और भी किसान है उनको प्रेरणा
मिलेगी कि आने वाले समय में वो और बेहतर काम करें, उनकी पैदावार और बढ़े और वैज्ञानिकी खेती यानी कृत्रिम खेती को बढ़ावा देंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में किसानों की आय तो बढ़ेगी ही, लेकिन उत्तर प्रदेश भी कहीं ना कहीं खुशहाल होगा। आपने देखा होगा कि एक अर्थव्यवस्था में किसानों की बड़ी भूमिका होती है और सरकार पिछली जीडीपी आप देखिए किसानों को कितना उसमें असर जाता है, तो ये एक बड़ी स्थिति सरकार के साथ साथ किसानों की भी है कि और किसान बढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। लेकिन उन किसानों को कहीं ना कहीं प्रोत्साहन की जरूरत है, उनको सम्मान देने की जरूरत है और उनको कृषि के क्षेत्र में और बढ़ावा देने को लेकर सरकार के प्रयास जरूरी होने चाहिए और मुझे लगता है वही उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। और आज जब वहाँ जब 135 किसान वहाँ पर मौजूद होंगे, लोग होंगे मुख्यमंत्री के सामने, सम्मान उनको मिल रहा होगा तो निश्चित रूप से जो और भी किसान हैं उनको कहीं ना कहीं प्रोत्साहन जरूर मिलेगा। अंजलि चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनूप इस तमाम जानकारी के लिए, आपसे इस खबर पर आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है लखनऊ से जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐलान, नकल माफिया की जब्त होगी संपत्ति, तो आरोपियों को 14 साल की जेल होगी, 25 लाख का जुर्माना भी लगेगा। ये बड़ा ऐलान प्रदेश के मुखिया की तरफ से, ये बड़ी खबर। 25 लाख का जुर्माना जो है वो भी लगेगा, जेल भी जाना पड़ेगा 14 साल के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा ऐलान, यहां पर बड़ा फैसला, नकल माफियाओं की जब्त होगी संपत्ति। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर लखीमपुर से आ रही है। आपको बता दें लखीमपुर दुधवा में बाघों की को लगातार मौतों का जो मामला है वो काफी ज्यादा गंभीर विषय बना हुआ है और वन मंत्री फॉरेस्ट के कई अफसर दुधवा पहुंचे हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर। 3 इलाकों में बाघों की अब तक मौत हो चुकी है, निगासन रेंज में जांच करने जाएंगे ऑफिसर, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कर्मचारियों पर कार्रवाई हो सकती है, गाज गिर सकती है। बढ़ेंगे आगे। उधर गोंडा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज पार्टी कार्यालय में मीटिंग करेंगे। बता दें आपको कि बैठक में करीब 500 पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल होंगे, जिस दौरान लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जो समीक्षा है वो करेंगे। साथ ही कार्यालय के अटल प्रवेश द्वार का भी भूपेंद्र चौधरी उद्घाटन करेंगे। तो ये भूपेंद्र चौधरी का कार्यक्रम जो है वो आज रहने वाला है। 2024 की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। गोंडा दौरे पर भूपेंद्र चौधरी 500 पदाधिकारियों के साथ भी वो मीटिंग करेंगे। तो 2024 की तैयारियां जो है वो बीजेपी की तरफ से शुरू कर दी गई है। गोंडा से संवाददाता विपिन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। विपिन, फिलहाल क्या कुछ तैयारियां भूपेंद्र चौधरी वहां पर पहुंच रहे हैं, किस तरीके से वहां पर कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला है? जी अंजलि, आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दो दिनों से गोंडा दौरे पर है और उन्होंने सबसे पहले सुबह करीब 11 बजे भाजपा कार्यालय के नवनिर्मित अटल द्वार का लोकार्पण करेंगे। उसके बाद करीब 12 बजे वो टाउन हॉल में जाएंगे जहां पर संयुक्त मोर्चा सम्मेलन में प्रतिभाग करेंगे। वहीं उसके बाद करीब 2 बजे भूपेंद्र चौधरी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री 9 साल बेमिसाल को लेकर उस पर भी चर्चा होगी। वहीं कहीं ना कहीं अंजलि आपको बता दें क्योंकि जिस तरह से 2024 का चुनाव करीब आ चुका है तो ऐसे में भाजपा पूरी तरह से अपनी तैयारी करती दिख रही है। ये दौरा तो बताया जा रहा है कि चूंकि लोकार्पण का है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी और विपक्षी ये कयास लगा रहे हैं कि 2024 का चुनाव है, ऐसे में बीजेपी लगातार तैयारी पर लगी हुई है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के 9 साल बेमिसाल को जिस तरह से वो मना रही है, जन जन तक को सारी योजनाओं को पहुंचाने का काम किया जा रहा है, सांसद अपने क्षेत्र में रैलियां कर रहे हैं, पार्टी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, तो ऐसे में भूपेंद्र चौधरी का ये दौरा जो कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि 2024 को लेकर एक तैयारी है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि करीब 12 बजे ये टाउन हॉल में समीक्षा बैठक की मीटिंग की जाएगी, उसके बाद में फिर 2 बजे भी मीटिंग हो सकती है और यहाँ गोंडा के बाद वो अयोध्या निकलेंगे। ये 2 दिवसीय विपिन चौधरी प्रदेश अध्यक्ष का दौरा है। जी अंजलि बिल्कुल, विपिन मिशन 2024 की तैयारी है यहाँ पर जुटी हुई है बीजेपी और यही वजह है कि लगातार इस तरह के जो दौरे हैं वो हो रहे हैं। और प्रदेश अध्यक्ष का यहाँ पर फिलहाल ये जो दौरा है कार्यकर्ताओं में कितना ज्यादा उत्साह भरने वाला है, किस तरीके से वहां पर कार्यकर्ताओं को पार्टी और संगठन को मजबूत करने के लिए जो टिप्स हैं वो यहाँ पर दिए जा रहे हैं? जी अंजलि आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से बीजेपी
भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के 9 साल बेमिसाल को मना रही है, तो वहीं आपको बताना चाहेंगे कि गोंडा के सांसद कीर्तिवर्धन सिंह आज एक विशाल रैली इस कार्यक्रम को लेकर अपने मलिकापुर में किए हुए हैं, तो भूपेंद्र चौधरी वहां भी जा सकते हैं, लेकिन अभी ये नहीं बताया गया है कि वहां जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरी जो तैयारियां हैं ये 2024 को लेकर है। भूपेंद्र चौधरी का जिले में 2 दिवसीय दौरा है, तो ऐसे में जिला के जितने बीजेपी के पदाधिकारी कार्यकर्ता और जो नेता है वो इसमें इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं, कैसे 2024 को फतेह किया जाए जिसको लेकर ये पूरी तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता तैयार हैं और भूपेंद्र चौधरी का यह दौरा 2024 का बताया जा रहा है। वहीं आपको बताएंगे कि भूपेंद्र चौधरी यहां से अयोध्या के लिए रवाना होंगे, लेकिन फिर सवाल घूम फिर यही आता है कि बीजेपी अगर कोई चुनाव होता है तो पिछले 3-4 साल पहले वो तैयारी करना शुरू कर देती है, उसी का नतीजा है लगातार प्रदेशों में सरकार बनी हुई है, केंद्र में 2 बार सरकार बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं 2024 को दोबारा फतेह करने की तैयारी में भूपेंद्र चौधरी लग चुके हैं। जी अंजलि, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विपिन सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो है उनका गोंडा दौरा बेहद महत्वपूर्ण है और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उनके साथ मीटिंग भी कर रहे हैं। बढ़ेगा आगे, उधर चंदौली सांसद एवं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रविंद्रनाथ ने अपने संसदीय क्षेत्र जनपद का दौरा किया। इस दौरान मंत्री डॉक्टर रविंद्रनाथ ने कई जगहों का निरीक्षण भी किया, साथ ही मंत्री निर्माणाधीन बाबा आपको बता दें कि किनाराम मेडिकल कॉलेज भी गए, जहां पर उन्होंने मेडिकल कॉलेज में हो रहे निर्माण कार्य की प्रगति देखी, साथ ही साथ संबंधित अधिकारियों को तेजी से निर्माण करने का आदेश भी दिया। वहीं सभा के राष्ट्रीय सचिव रामगोपाल यादव के बीजेपी को असुर की जो संज्ञा देने के बयान पर उन्होंने कहा कि बीजेपी का प्रभाव विपक्षी दलों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। यह जैसा मैंने आज यहाँ विकास तीर्थ अवलोकन के क्रम में माननीय मोदी जी माननीय योगी जी के सौजन्य से ये जो मेडिकल कॉलेज चंदौली को सौगात मिला भारत सरकार की पहल पर राज्य सरकार के सहयोग से उसका अवलोकन करने आया। यह इनको टारगेट जुलाई के तक पूरा करने का था, लेकिन अगस्त तक ये पूरा कर देंगे ऐसा मुझे भरोसा दिया है, और उसके बाद हम माननीय मुख्यमंत्री जी को आग्रह करेंगे कि इसका सिविल लोकार्पण। देखिए यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बन रहा है, लगभग 13 एकड़ की टोटल यहाँ पर ज़मीन है और 149 करोड़ इसकी कॉस्ट है। सभी फैसिलिटीज जो एक मॉडर्न मेडिकल कॉलेज में होती है वो सभी यहाँ पर रहेगी। उसके अलावा एक 300 बेड का हॉस्पिटल भी बनेगा, जो कि हमारा एग्जिस्टिंग कमलापति त्रिपाठी हॉस्पिटल है उसी के परिसर में बनेगा। और कुल मिला के जैसे मैंने बताया कि जितनी भी मॉडर्न फैसिलिटीज़ एक मेडिकल कॉलेज में होनी चाहिए वो सभी रहेगी। वैसे तो ये प्रोजेक्ट 9 जून आज कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत डिले है, तो 1 महीने के अंदर हम लोग इसको पूरा करा लेंगे और जल्द ही इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से। बढ़ेंगे आगे, उधर नैमिषारण्य में आयोजित समाजवादी पार्टी के 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आज अंतिम दिन है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज प्रशिक्षण शिविर के समापन सत्र को संबोधित करेंगे और कार्यकर्ताओं को जीत मंत्र भी देंगे। बता दें आपको लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी लोक जन जागरण यात्रा भी निकालेगी और साथ ही नैमिषारण्य से सदौली तक होने वाली इस यात्रा की अगुवाई खुद अखिलेश यादव करेंगे। तो नैमिषारण्य में समाजवादी पार्टी के पाठशाला आज अंतिम दिन है। तौकीर किदवाई संवाददाता हमारे साथ इस बीच सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तौकीर, आज सपा के इस प्रशिक्षण शिविर का अंतिम दिन है, आज क्या कुछ रहने वाला है इस पूरे कार्यक्रम में? देखिए, और 2 दिन पहले लखीमपुर में 5 और 6 जून को हुआ था और अब ये 9 और 10 तारीख में नैमिषारण्य यानी कि सीतापुर सटा हुआ जिला है बिल्कुल लखीमपुर से, यानी कि अगल बगल के 2 जिले चुने गए जहाँ से चुनावी अभियान की शुरुआत हुई। फिलहाल देर शाम को ही अखिलेश यादव सीतापुर पहुंच गए थे, उन्होंने पूजा अर्चना की नैमिषारण्य धाम में और उसके बाद वो मीडिया से भी वो खातिब हुए थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो ये असुरों की यहाँ पर जो विनाश होता है असुर वही जो अन्याय करे, तो कई तरह के उन्होंने जो है तीखे तेवर दिखाए थे अपने और भारतीय जनता पार्टी को लॉ एंड ऑर्डर पर घेरने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से यहाँ पर जेल में हत्या हो रही है, पुलिस कस्टडी में हत्या हो रही है और फिर उसके बाद न्यायालय परिसर में हत्या हो रही है, ये साफ तौर पर ये
जो अपराध के ऊपर अंकुश लगाने की बातें की गई थी सब हवा हवाई थी, और अपराध चरम पर है और अपराध के ब्याह पर ही अब पुलिस भी निरंकुश हो गई है, पुलिस भी जो है अब हत्या करने लगी है। तो कई तरह के आरोप उन्होंने लगाए, कुछ घटनाओं को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया। जिस तरह से कल औरैया के एक इंस्पेक्टर के घर चांदी मिली थी और वहां पर कानपुर देहात के एसपी पुलिस ने भी छापा मारकर उनकी चांदी 50 किलो बरामद की, उस घटना का भी उन्होंने जिक्र किया। यानी कि अपराध जो है वो मुद्दा बनने वाला है लोकसभा 2024 के चुनाव में, और आज जो शिविर है उसमें जो कार्यकर्ता जुटेंगे उनको भी मंत्र दिया जाएगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की किन जो ऐसी नाकामियां हैं इनको लेकर जनता के बीच में जाएं। और जो सीतापुर खासकर क्योंकि वहां से समाजवादी पार्टी का एक भी विधायक नहीं जीता विधानसभा चुनाव में, तो ज्यादा ऐसी जगहों पर फोकस किया जा रहा है कि जहां पर समाजवादी पार्टी कमजोर है उन जगहों पर इस तरह के शिविर लगाकर वहां के कार्यकर्ताओं को बूस्टअप किया जाए और एक नई लड़ाई के लिए तैयार किया जाए। कई बड़े नेता भी वहां पर जुटे हैं, शिवपाल सिंह यादव भी कल मौजूद थे, उन्होंने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और जीत का मंत्र दिया और साफ तौर पर कहा कि लड़ाई बड़ी है और इसको साथ मिलकर लड़ना होगा। तो शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव और जो कुनबा है पूरा उनका, वो सब वहां पर मौजूद था। और इस तरह के शिविर बताए जा रहे हैं लगभग हर शहर में लगाए जाएंगे और खासकर उन जगहों पर जो थोड़े से पिछड़े हैं, जो कनेक्टिविटी से थोड़ा सा दूर रहते हैं, वहां पर नेताओं से मिला जाएगा। लेकिन सीतापुर की खास बात यह भी है कि जब शिविर लग रहा था उसके एक दिन पहले ही एक बड़े नेता राकेश राठौर ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। 2022 के चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे और पार्टी छोड़कर ही समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन लगातार अनदेखी के चलते वो अभी फिलहाल शिविर से एक दिन पहले ही कांग्रेस में चले गए। ये एक झटका जरूर है समाजवादी पार्टी के लिए और सीतापुर की राजनीति के लिए। अब आने वाले समय में ऐसे जो नेता है जो नाराज है उनको कैसे मनाया जाएगा ये समय बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो सपा का ये 2 दिवसीय जो प्रशिक्षण शिविर है वो बेहद महत्वपूर्ण रहा है, आज अंतिम दिन है और प्रशिक्षण शिविर का ये अंतिम दिन आज नैमिषारण्य में अखिलेश यादव जीत का मंत्र यहां पर कार्यकर्ताओं को देते हुए दिखेंगे। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे, बड़ी जानकारी लखनऊ से आ रही है, बड़ी खबर लखनऊ से आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर संजीव जीवा हत्याकांड के मामले से जुड़ी आ रही बड़ी खबर, हत्या के क्राइम सीन का रिक्रिएशन हुआ है। बुधवार दोपहर कचहरी परिसर में ये हत्या हुई थी और कोर्ट रूम में क्राइम सीन दोहराकर समची घटना, तो 3 बार ये क्राइम सीन दोहराया गया है। करीब 2 घंटे तक कार्रवाई चली है, फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य और सुराग जुटाए हैं। इस दौरान ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो हत्या के क्राइम सीन का रिक्रिएशन जो है वो यहां पर किया गया है। बुधवार को कचहरी परिसर में हत्या की गई थी, तो कोर्ट रूम में ये पूरा क्राइम सीन एक बार फिर से दोहराया गया, 3 बार ये क्राइम सीन दोहराया गया। बढ़ेंगे आगे, प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद से कब्जा भवन जो मुक्त कराई गई जमीन पर अब फ्लैटों को लॉटरी सिस्टम के जरिए लोगों को बांटा गया है। जमीन पर बने 76 फ्लैट्स को हर कैटेगरी के लोगों को दिया गया है। वहीं इसी में दिव्यांग कैटेगरी में शांति देवी को पहला फ्लैट आवंटित हुआ, जिसके बाद शांति देवी काफी खुश नजर आई। उन्होंने इसके लिए पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। बता दें कि सरकार ने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम लाभार्थियों को भी फ्लैट का आवंटन किया है, जिन्हें कुछ दिनों बाद सीएम योगी खुद अपने हाथों से फ्लैट सौंपेंगे। जनपद प्रयागराज में माफिया से हम लोगों ने जमीन खाली कराई, जो लैंड थी उस पर माफिया का अपना आवास था, उसका ऑफिस भी चलता था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने उसको ध्वस्त किया, उसके बाद से पीएमवाई के अंतर्गत हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट सैंक्शन कराया। अब इस समय पूर्ण रूप से हमारा जो 76 फ्लैट्स हैं बन के तैयार हैं। इसमें एक बेडरूम है, एक ड्राइंग रूम है, इसमें किचन की व्यवस्था है, इसमें एक शौचालय की व्यवस्था है, एक स्नानागार भी है, बालकनी भी है, इसमें पार्किंग की व्यवस्था सामान्य रूप से की गई है, बिजली की व्यवस्था है, सीवरेज की व्यवस्था है और सब चीज़ें हैं जो कि इसमें इंटैक्ट हैं, जो कि एक व्यक्ति को अपना घर चलाने के लिए ज़रूरत होती है।